पहला तो मैं धन्यवादी हाँ ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जिन्हें मैनू ये मौका दिता जिन्हें ने मेरी टीम बन के मैनू सहयोग दिता कि मैं अगे वध पाई। तो येगा कि ये आप रिसर्च दे आईडी इनोवेटिव आइडियाज़ देने से कि आप करोना किवें ठीक कर सकते आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग अलग लैवल के बंदे से जिमें कि जिन्हों एजुकेटर सके रिसर्चर से स्टूडेंट सके साइंटिस्ट सके डॉक्टर सके। तो सो इन्हों टीम सिलेक्ट की गई सगिया साड़ी टीम के मेरे सहयोगी सन डॉक्टर आलोक शर्मा डॉक्टर आर के नारंग सर डॉक्टर जी डी गुप्ता सर जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है इसनों अगे वधन दे विच। तो ये सब तो पहला स्टेज जीरो सीगा जिदे विच 1000 तो उपर बंदे सीगे। तो उस तो बाद स्टेज वन दे विच 100 टीम सिलेक्ट की गई सी। उस तो बाद 100 टीम दे विचो 50 टीम सिलेक्ट की गई सी अगे अगले राउंड दे विच। ते उस तो अगे 30 टीम दे विचो मेरा 17वां रैंक हासिल होया सी। मैं उन्होंने ये दस्या सी मतलब कि बॉडी दे विच किवें वो इफेक्ट करती है जिहड़ी वायरस है किवें वो एंटर हुंदी है ते आपां उहनूं किवें ठीक कर सकदे किवें अमाइनोग्लाइकोसाइड तो साडा रिसर्च जारी है किवें वो यूज़ कर सकते आप उन्होंने तो किवें उन्होंने आप देख सकते किवें डायग्नोसिस कर सकते हैं उसकी। तो फोर्थ स्टेज जी रिजल्ट आना हजे बाकी है जी सर। कदों तक रिजल्ट आ जाएगा उदा? सर उदा फिलहाल तक तो कोई डेट फिक्स नहीं है शायद 14th तक बोल रहे हैं अप्रैल। सब तो पहला मैं धन्यवादी हाँ पूरा प्रेस का मीडिया का कि जेडे कि बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं इस जो मोदी जी ने अपने मानयोग प्रधानमंत्री जी ने जिहड़ा अपना लॉकडाउन का स्टेटमेंट दी है उन्हें सफल बनाने दे विच मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। जिथे भी कोई भी थोड़ी जी दिक्कत होंदी है मीडिया इमीजिएट जिहड़ा है वह प्रशासन की नज़र दे विच लिया देंदा है ते जिहदे नाल कि इहनूं आपां 100% सफल बनाने दे विच कामयाब हो रहे हैं। फिर मैं धन्यवादी हाँ ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जिहड़ा कि अपने स्टूडेंट्स नूं ये रिसर्च का माहौल मुहैया करवाता है जिहदे नाल की है कि बच्चों के मोटिवेशन होंगी है बच्चे रिसर्च की तरफ लगते हैं। साढ़े 18 रिसर्च स्कॉलर जोड़े है लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस दे विच भी मिस ज्योति मिस्टर आलोक डॉक्टर आलोक शर्मा जी डॉक्टर जी डी गुप्ता तो मैं डॉक्टर आर के नारंग साढ़े 4 की टीम बनी सी AICTE की तरफों। AICTE ने ये आइडियाज़ मंगे सी और 3 दिन के जोड़ा है आइडियाज़ में एग्जीक्यूट करना सी। इन ऑल ओवर इंडिया तो ही वे वे जे हॉस्पिटल्स है उन्होंने डॉक्टर्स तो उन्होंने साइंसदानों तो दूसरी जिहड़ी रिसर्च लैब्स है उन्होंने रिसर्च स्कॉलर्स तो सारिया तो ही ये आइडियाज़ मंगे गए सी। और आइडियाज़ मंगन का मकसद यही सी कि जिहड़ा अपना 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड है इस 21 दिनों के ही पूरी की पूरी अगे की रणनीति तैयार की जाए चाहे वह इलाज पक्षों है चाहे वह करोना के मरीजों को सामने पक्षों है हर तरह के आइडियाज़ ही सी भी किस तरीके आप अगर आप हॉस्पिटल्स बनाने हैं तो किस तरीके इमीजिएट आप किसी चीज़ को हॉस्पिटल के कन्वर्ट कर सकते हैं कोई ट्रीटमेंट अभी नवी निकलती है ताकि उनका जोड़ा इफेक्ट है उन्होंने आप रिड्यूस कर सकी इस आइडियाज मंगे थी। सब तो पहला इन्होंने जो सिलेक्शन हुई सी 1000 टीम की सिलेक्शन हुई सी जिन्हें चो फस्ट स्टेज पार करके 100 जड़िया सगिया टीम सिलेक्ट की गई। फिर उन्होंने तो अगे क्वेश्चनिंग हुई उन्होंने इंटरव्यूज हुए ऑनलाइन इंटरव्यूज हुए उन्होंने क्वेश्चन के आंसर तो बाद उन्होंने जोड़ा है 50 की सिलेक्शन हुई। 50 तो बाद हूँ जी थर्ड स्टेज है इन 20 की सिलेक्शन हुई है जिन्हें चो मिस ज्योति तो सारी टीम का जोड़ा है 17 रैंक इन आया है। हूँ नैक्सट जोड़ा है फोर्थ स्टेज होएगी। फोर्थ स्टेज के 5 टीम्स में सिलेक्ट करके उन्होंने 5 टीम्स के आइडियाज़ में इन्होंने 21 दिनों के ही एग्जीक्यूट करने की सरकार का जोड़ा है मंशा है ताकि इनू जोड़ा है करोना से आप जिन्ना भी थंब लगा सके।